हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी पर्सन का लोकेशन कैसे ट्रैक कर सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन से इस तरीका से। दोस्त, मैं आपको बता दूँ, यह किसी भी प्रकार का हैक वगैरह नहीं है। यह आपके फ़ोन में केवल एक सेटिंग है, जो सेटिंग को केवल इनेबल करना पड़ता है। डिसेबल है तो उसको इनेबल करना पड़ता है, और उस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आप किसी भी पर्सन का लोकेशन हैक कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी तरीका से। तो मैं केवल आपको वही बताने जा रहा हूँ कि कैसे वह सेटिंग को ऑन किया जाता है और लोकेशन को हैक कर लिया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको उस बंदे का फ़ोन अपने हाथ में लेना पड़ेगा, जिस बंदे का आप लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं। केवल 20 से 30 सेकंड के लिए मांगना होगा कि फ्रेंड्स दीजिए, थोड़ा सा हमको कहीं कॉल करना है वगैरह वगैरह, कुछ बहाना आप अपने दिमाग से किसी भी प्रकार से उसको उसका फ़ोन अपने हाथ में लेना पड़ेगा और आपको गूगल मैप ओपन करना पड़ेगा। तो जिससे मैं वह फ़ोन दूसरा करेगा, इसलिए आपको गूगल मैप हो सकता है ढूंढने में आपको परेशानी हो और आपके पास टाइम कम है, तो उसके लिए आप सिंपली गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे गूगल मैप सर्च कर लेंगे, यहाँ पे गूगल मैप, और गूगल मैप सर्च करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे गूगल मैप। यहाँ पे सिंपली आप उसका गूगल मैप ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में उसका प्रोफाइल दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पे, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे आएगा लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन शेयर करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गेट स्टार्टेड इस टाइप से खुलेगा, सिंपली गेट स्टार्टेड इस टाइप से खुल जाएगा। अब गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। अब यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे फॉर 1 घंटा या फिर अनटिल यू टर्न ऑफ दिस, मतलब कहने का मतलब जो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, इसमें आप मतलब कुछ टाइम के लिए आप इसका लोकेशन हैक कर सकते हैं, जैसे 1 घंटा 2 घंटा, आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं 2 घंटा 3 घंटा बढ़ रहा, आप यहाँ से इसका लोकेशन वाला शेयरिंग आप बढ़ा सकते हैं। और नीचे है टर्न ऑफ दिस, यहाँ पे मतलब अनटिल यू टर्न दिस ऑफ, जब तक आप इसको ऑफ ना कर दें तब तक लिए लोकेशन मतलब आपके फ़ोन से के ज़रिए हैक रहेगा। तो मैं ऊपर वाला अपनाता हूँ 4 घंटे के लिए, आप यहाँ पे घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, और इस नीचे वाला जो है अनटिल टर्न ऑफ दिस, तो इसके ज़रिए आप हरदम के लिए आप अपना इसका लोकेशन अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं उसके बाद इतना आप सेटिंग कर लेंगे 2 3 4 5 6 घंटा के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट अगर इसमें होगा तो अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब कॉन्टैक्ट दिखा रहा है कि आप मतलब यहाँ पे आपका नंबर दिखेगा कि आप किस मतलब कौन सा नंबर में आप इस लोकेशन को मतलब सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर नहीं दिखेगा तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है कि आप किसके ज़रिए इस लोकेशन को अपने फ़ोन में सेंड करना चाहते हैं, ये देख सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू, जीमेल के थ्रू। तो अगर यह पर्सन आपका जान पहचान के है तो इस व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जान पहचान का बंदा है तो यहाँ पे उसको इसके फ़ोन में आपका व्हाट्सएप नंबर होगा तो व्हाट्सएप ओपन कर लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली यहाँ पे अगर कोई अनजान व्यक्ति है तो आप मैसेज ओपन कर लीजिएगा, मैसेज ओपन कर लीजिएगा, ओपन हो रहा। अब मैसेज जब ओपन होगा तो यहाँ पे अपना नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना है सिंपली, इसमें मैं यहाँ पे अपना नंबर टाइप कर लेता हूँ 6200 74 90 26। हाँ, अब इसके बाद यहाँ पे सही करके यहाँ पे सेंड कर देना है सिंपली। तो ये देख सकते हैं यह लोकेशन मेरे नंबर पे सेंड हो गया। अब मैं अपना मैसेज वाल ओपन करके बताता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे मैं ओपन कर, देख सकते हैं ये यहाँ पे मेरा मैसेज में आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा मैसेज वाला है, यहाँ पे जितेंद्र कुमार मेरा नाम है, बट यहाँ पे देख सकते हैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, सी माई रियल टाइम लोकेशन ऑन मैप, मतलब मेरा रियल टाइम लोकेशन मैप पे देखें, और यहाँ पे लिंक दे दिया, नीचे भी आ रहा सी माई रियल टाइम लोकेशन ऑन मैप। अब यहाँ पे जो नीचे लिंक दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नीचे मतलब आ जाएगा ऑप्शन कि मतलब ओपन URL के थ्रू, या फिर इसको बुक मार्क कर लेना है, या को इस लिंक को कॉपी कर लेना है। इस लिंक को अगर कॉपी कर लेंगे तो आप गूगल क्रोम में जाकर के इसको पेस्ट करके इस टाइप से भी देख लेना है, पर उनको सिंपली ऊपर वाला लिंक पे क्लिक मतलब ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ओपन ये वाला ओपन URL वाला, इस पर क्लिक कर लेंगे तो सिंपली ये आपको गूगल क्रोम से के थ्रू आप देख सकते हैं मेरा लाइव लोकेशन यहाँ पे दिखा दे रहा है, देख सकते हैं।
इधर देख सकते हैं, ये मेरा लाइव लोकेशन दिखा रहा। इस प्रकार से आप किसी भी पर्सन का लोकेशन आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं। अब ये ऐप इसका लोकेशन मतलब जितना टाइम सेट किए हैं उतना टाइम के लिए इसका लोकेशन आपके फ़ोन में हैक हो गया है। अब आपको सिंपली जब भी इसका लोकेशन देखना होगा तो सिंपली आप उस लिंक पर जा करके क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले आपको मैसेज ओपन करना होगा, उसके बाद उस लिंक पर सिंपली क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा कि कहाँ से, तो URL पे आप क्लिक कर दीजिएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन पे। तो आपको सिंपली है मतलब गूगल मैप पे ले आएगा आपका गूगल मैप पे, और उसके बाद यहाँ पे इसका लोकेशन आपको दिखा देगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप किसी भी पर्सन का आप लाइव टाइम लोकेशन देख सकते हैं कि अभी वो पर्सन कहाँ है, किधर जा रहा है, आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा। इस प्रकार से आप किसी भी का भी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ और नॉलेजेबल वीडियो भी लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने क्लोजली फ्रेंड्स के पास ज़रूर यह वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।